भांडर पहुंच नदी पर बना स्टाप डैम कुछ दिनों पहले अचानक टूट जाने से भांडर में पानी की समस्या उत्पन्न हो रही है। फिलहाल नगर परिषद भांडर में पानी की समस्या को दूर करने का प्रयास टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाकर कर रहे हैं। नगर परिषद के अधिकारियों का मानना है कि मछली पकड़ने वाले विस्फोटक सामग्री से डैम क्षतिग्रस्त हुआ है। इस मामले को लेकर उन्होंने पुलिस प्रशासन को आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हम आपको बता दें कि पहुंच नदी पर बने स्टाप डैम टूटने में रेत माफियाओं और मछली पकड़ने वालों के हाथ होने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन सच्चाई क्या है अभी कोई नहीं जानता। यह एक जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। ठेकेदार तो आ सकता है। अच्छा, जो उनके अंदर में होते।